सरकार के कारनामे अजीबोगरीब हैं। राजधानी रांची में कोरोना के आधा दर्जन से अधिक कोविड सेंटर चल रहे हैं। इनमें मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर, सर्ड परिसर, रातू रोड, डोरंडा के रिसालदार बाबा हॉस्टल, एचईसी के पारस अस्पताल, सदर अस्पताल रांची और अन्य शामिल हैं। इन जगहों पर 1000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। इन्हें प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम का नाश्ता समेत भोजन दिया जा रहा है, पर भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को सरकार की तरफ से 1.5 महीने से पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे एजेंसियों को काम करने में काफी परेशानी हो रही है। एक तो सब्जियों के दाम काफी महंगे हो गए हैं, वहीं राशन, सब्जी, मांस मछली तथा अन्य उपलब्ध कराने वालों ने भी पैसे के बिना वस्तुएं देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। दलील दी जा रही है कि रांची के सिविल सर्जन कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए चेक पर साइन करने वाला कोई नहीं है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और अन्य को नहीं दी गई है। कोरोना संक्रमितों को पौष्टिक आहार युक्त भोजन दिया जा रहा है, जिसमें चावल, रोटी, अंडा, चिकन, मटन और अन्य शामिल है।